बाप रे, उठाओ भाई, उठो, उठाओ 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 उठाओ। नंबर नोट को, नंबर टेन नोट को ना, गे नंबर टेन नोट को ना। अरे ये जो हम घुमाते हो तुम्हें जान लगी कोड़े, तुम्हें हम घुमाते हैं, ये कौन बुक भी ना हाल, तू फालतू बुकता है बिना। हे गाइस, तो आज मैं मेरे तरफ से कुछ बात आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग बात मेरा सुनना, सुनने के बाद अगर सही लगे तो कमेंट में बताना, अगर बुरा लगे तो भी बताना, ठीक है। तो गाइस, सीन है कि गाइस कल मैं और WB 10 राइडर, मतलब मेरा सौरभ भाई, दोनों मिलके सुबह निकले थे शॉर्ट वीडियो करने, ठीक है। और शॉर्ट वीडियो जब करके आ रहे थे भाई, तब ऐसा सीन हुआ हम लोग को आंखों के सामने ना, आपको क्या बोलूं, मतलब डर गया था हम लोग। तो सीन क्या हुआ आप लोग पहले देखो, वीडियो में देखो, उसके बाद मैं फिर आता हूँ। ओरे बाप रे, उठाओ भाई, उठो, उठाओ 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 उठाओ, जल्दी जल्दी उठ, नम 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 नम। भाई था जला बेकर तुम धरे थोड़ो 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 आसो साइड आसो साइड आसो साइड आसो थोड़ो 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 आसो साइड साइड आसो आसो हम कहीं जला आसो धक्का मेरे दीजिए बाइक को, बाइक को ऐसा। नंबर नोट को, नंबर टेन नोट को ना, गे नंबर टेन नोट को ना, नंबर टेन नोट करो। सो गाइस, आप लोग वीडियो देख के आप लोग को समझ में आ गया कि एक ट्रक वाले के साथ एक बाइक वाला का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। लेकिन एक्सीडेंट कैसे हुआ ये बड़ी बात है, ठीक है। तो भाई सच बोलूं तो भाई, मैं और सौरभ भाई घर के तरफ आ रहे थे, तो एक कार ड्राइवर, ठीक है, वो आके एक बाइक वाले को पूरा ठोक दिया, मतलब क्या बोलू, पूरा परिवार भाई मरते मरते बच गया। तो यहाँ पे गलती किसका है, ठीक है, गलती है भाई पूरा भाई जो ट्रक वाला था उसका है भाई, क्योंकि भाई ट्रक वाला फूल टू नशे में था, जो ट्रक का असली ड्राइवर था, ठीक है, तो वो नशा करके सो रहा था, और जो हेल्पर होता है ना, जो ट्रक के साइड में रहता है, ऐसा गाड़ी वाड़ी देखता है, शीशा वगैरह देखता है, तो वो भाई ट्रक चला रहा था, ठीक है, और क्या बोलो, इतना तेज चला रहा था ना, आगे भी एक ट्रक को ठोकर मार के आया था। जो बंदा ट्रक चला रहा था वो सो गया था, जब आंख खुला तो देखा सामने एक बाइक, ठीक है, तो वो जोर से ब्रेक मारा, लेकिन आके बाइक के साथ एक्सीडेंट हो गया, मतलब बाइक को ठोकर मार दिया और बाइक से गिर गया भाई। दो बच्चा था, हस्बैंड वाइफ था, एक जो लड़की था उसको बहुत भाई चोट वगैरह आया, यहाँ सब छिल गया, छोटा बच्चा था उसको भी छिल गया भाई। सो गाइस, हम लोग जल्दी से ले गया, सो आगे वीडियो देखो, उसके बाद मैं फिर आता हूँ, ठीक है।
अरे खूब बाजा भेजेगा तू। গাড়িতে ধাক্কা না পড়লে এখানে পড়বে, শিখাচ্ছ শিখাচ্ছ নাকি? আমি বলছি দাদা শোনো, দাদা বলছে ইন্ডিকেটর দেয় না দাদা, মধ্যিখানে রানিং আস্তে আস্তে বাইরে বলছে, আমাদের গাড়ি তো হাইওয়ে তে রানিং আছে দাদা, আমি স্যাডেল ব্রেক মেরেছি, স্লিপ খেয়ে হালকা এরকম ঠিক আছে দাদা, বিশ্বাস করো। তাহলে টাচ খেয়েছে? তাহলে টাচ খেয়ে না কেন বলছো? তাহলে আমি তো টাচ খেয়েছি। আরে এদিকে তুমি বলছো টাচ খেয়ে, তুমি এখন ঘুমাচ্ছ এখন, তাহলে এই যখন ঘুমাচ্ছ তুমি জানলাই করে, তুমি এখন ঘুমাচ্ছ এখন বকবি না, ফালতু বকতে আসবি না। ড্রাইভার যখন বলছে যে ধাক্কা লেগেছে, তুই যখন কেন বলছিস? তাহলে তাহলে মিথ্যা কথা বলতে আসবি না, তাহলে মিথ্যা কথা বলতে আসবি না। ধাক্কা না লাগলে মানে এমনি এমনি হেলমেট উড়ে যাবে? এখন ইয়ে হয়েছে সেতো, ঘাবড়ে গেছে ওই বাচ্চা, ছোট বাচ্চারা কিছু লাগেনি তো এমনি বাবা জানি তো। এর জলটা দাও তো, একটু জলটা পানি খাও একটু না, হ্যাঁ না চলো কেন এ কেন কেন আর একটু খাও, ফালতু বকতে আসবা না, ফালতু বকতে আসবা না, ফালতু বকতে আসবা না, সব সব শোনা আছে, ফালতু বকতে আসবা না। এ কাকা শোনো, এখানে একটু একটু আগে বলছে না যে ইয়ে গাড়িতে টাচ খায়নি বাইকে, হ্যাঁ বলছে টাচ খায়নি, একটু আগে বললো ফোন এসেছিল নাকি। আই হোপ আপলোক পুরা ভিডিও দেখ চুকে, আর
समझ में आ गया क्या क्या हुआ था भाई। सौरभ भाई में जितना हो सके हम लोग किया, सौरभ भाई मेडिसिन वगैरह जो था फर्स्ट एड सब कुछ वो लोग को दिया, लगाया बच्चा का हाथ में। लेकिन भाई मैं बोलना क्या चाहता हूँ यहाँ पे, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो लोग ट्रक ड्राइवर हो प्लीज भाई नशे करके कभी ट्रक मत चलाना, ठीक है। हाँ हम पता है आप लोग बहुत दूर से ट्रैवल करके आते हो, तो अगर चलाते चलाते नींद भी आ जाए तो ट्रक को साइड में लगा के सो लेना थोड़ी देर, उसके बाद चलाना। नहीं तो भाई आप लोग का थोड़ा सा गलती के वजह से भाई किसी की जान जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक पूरा परिवार था, दो बच्चा था, बीवी था, सब लोग का भाई पूरा लोग मर जाता, ठीक है। खुदा का शुक्रिया कि खुदा का हाथ वो लोग के सर के ऊपर था, इसलिए भाई बाल बाल बच गया, ठीक है। इतना बड़ा चोट नहीं आया, लेकिन भाई जो वो जो अंकल था उसका जो वाइफ था और दोनों बच्चा का माँ था, उसको भाई बहुत बुरी तरह से चोट आया, क्योंकि वो सिर पकड़ के बैठा था, आप लोग ने वीडियो में देखा, और उस लिटरली भाई सब कुछ भूल गया भाई। वो जो आंटी था ना एक्सीडेंट होने के बाद सब कुछ भूल गया, उसको कुछ याद नहीं आ रहा है भाई। तो हम लोग डर गए भाई, मालूम नहीं क्या होगा। अंकल को बोला कि आप जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका है भाई। आप लोग वीडियो में देखा भाई, वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ मालूम नहीं वो कहाँ जा रहा था, कहाँ घर है, कौन है, सब कुछ भूल गया। तो आई होप भाई वो जो आंटी है उसको थोड़ा सा चोट ज्यादा लगा, सिर के बाद गिरा था। सो इसलिए भाई विनती है, आप जितने भी ट्रक वाले ड्राइवर हो मेरे वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज भाई आप लोग सही से चलाना, ड्रिंक मत करना, और अगर नींद आ जाए थोड़ा सा सो लेना ट्रक को लगा के। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, भाई वेस्ट बंगाल का ट्रैफिक पुलिस है, प्लीज आप लोग जब कोई ट्रक गुजरे ट्रैफिक से तो प्लीज ट्रक को रोक के आप लोग चेक करें कि वो नशे में है कि नहीं है, उसका आंखों में नींद है कि नहीं है, और सही से ट्रक चला रहा है कि नहीं, प्लीज आप लोग चेक करिए। क्योंकि अगर ट्रक वाला नशे के हालत हो तो आप लोग उसको फाइन करिए, अरेस्ट कीजिए, ट्रक को स्विच कर लीजिए, लेकिन भाई रास्ते में वो लोग को मत छोड़ना, क्योंकि आप लोग को भी थोड़ा सा चेकिंग बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो भाई देखो भाई वो जो ट्रक वाला था पूरा कलकत्ता से आया, तो इतना बड़ा बड़ा ट्रैफिक रोका होगा उसे, लेकिन कोई चेक नहीं किया सही से। अगर कोई ट्रैफिक ऑफिसर अच्छी तरह से उसे चेक करता तो पकड़ जाता कि नशे में था। वेस्ट बंगाल पुलिस से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए जो ट्रक वाले है वो लोग के ऊपर, ठीक है। तो इतना ही बोलना था। सो गाइस आप लोग कॉमेंट में बताना कौन सही है कौन गलत है। तो बहुत जल्द मिलूंगा आप लोग से। तो टाटा बाय बाय, अच्छे से रहो, खाते पीते खुशी से रहो।